लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, इसी बीच जेएमएम कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां की सभी को कहीं न कहीं आधा दिन का वक्त पार हो चुका है, लेकिन जैसी स्थितियां भाजपा कार्यालय में है वही स्थितियां यहां जेएमएम कार्यालय में नहीं, कहीं भी अभी तक जो है ढोल नगाड़े लड्डुआ मिठाई, मतलब ये 50-50 वाली बातें हो गई है। अश्विनी शर्मा है, जिला उपाध्यक्ष हैं रांची के, कैसे देखते हैं ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही थी कि 400 का पार हम हो जाएंगे, 14 का आंकड़ा पार कर जाएंगे झारखंड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों ने बेरोजगारी महंगाई जो है विकास पर हावी होता दिख रहा है, कैसे देखते हैं इस नतीजे? बिल्कुल, आज का जो चुनाव परिणाम आ रहा है पत्रकार महोदय, आज देखिए जो रुझान आया है छनकर आज हमारे बीच में, लोग जो हमारे मोदी जी जो जुमलेबाजी करते थे महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, 15 लाख रुपए के बारे में या राम मंदिर के बारे में, तो आज देखिए स्थिति बिल्कुल विपरीत होते जा रही है। और जो उन लोगों का नारा था अब की बार 400 बार, मुझे नहीं लगता है कि 200-250 तक ये पहुंचेंगे। और देखिए आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किया गया झारखंड प्रदेश में, आज उसका परिणाम है कि आज हम लोग जितनी जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के साथ खड़ी हुई है और सभी जगहों पे हम लोग जीत रहे हैं। और देखिए ये चूंकि ये हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसका विपरीत असर पड़ने वाला है, आप लोग देखेंगे, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। और इस बार हम लोग फिर से कह रहे हैं कि हम लोग फिर से मजबूती के साथ अपनी सरकार को यहाँ पर बनाएंगे। लाल जी, पिछली बार का भी आंकड़ा क्या पार कर पाएगी बीजेपी, क्या लगता है आप लोगों को, बेहतर प्रदर्शन आप लोगों ने चुनाव में किया है? देखिए इस बार लोकसभा चुनाव खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ी है, और चूंकि पिछले बार हम लोगों का जो एक हम लोग जीते थे एक सीट से, अभी देखेंगे कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और 100% हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही देन है, जो इंडिया गठबंधन भी 100% हम लोग मिल करके जो हासिल कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन है। और आप देखेंगे कि हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और विधानसभा में हम लोग बहुत बेहतर करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता ने इस बार मुद्दों पे वोट दिया है, जुमलेबाजी पे भरोसा नहीं किया, जो मुद्दे थे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के क्षेत्रीय स्तर पर उस मुद्दे पे जनता ने वोट किया है, और जुमलेबाजी की सरकार को औकात दिखाने का काम जनता ने किया है। झूठ जो हमारे प्रधानमंत्री, जो विश्व के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं, उनको झूठ का इस बार सफाया हो गया, झूठ पे सच्चाई की जीत हो रही है। ये जो परिणाम आ रहा है वो साफ दिखाता है कि जनता ने उनके लफ्जों पे, उनके जुमलों पे भरोसा नहीं करके मुद्दे पे वोटिंग करने का काम किया है। तो ये जेएमएम कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पे सभी जो है रुझान देख रहे हैं, सामने टीवी स्क्रीन पर 543 जो टोटल सीट है वह दिख रहा है। जो मुद्दे थे वो मुद्दे बिल्कुल अस्पष्ट थे, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, और युवाओं का जो आक्रोश था वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन ने उन मुद्दों को जनता के सामने रखने का काम किया, हम कामयाब हुए लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, ये जो नारे दिए जा रहे हैं 400 पार, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर जो स्थिति थी उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वाकिफ थी, और ये जो हार, ये जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, ये केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हार, और देश का लोकतंत्र मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गीता कोरा काफी पीछे चल रही है, इन्होंने अयोध्या और राम मंदिर का मामला मुद्दा बनाया, एनआरसी, यूपीसी, जनता ने जवाब दिया है, मंत्री जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया। देखिए इस पूरे चुनाव को कॉम्युनल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और उनके प्रत्याशियों के द्वारा ये सारी चीजें की जाती रही, लेकिन देश की जनता इनके चाल को, चेहरे को और चरित्र को
बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव में समझ चुकी थी, जिसका परिणाम है कि ना राम मंदिर मुद्दा बना, ना हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना। मुद्दा अगर बना तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बना, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने, कैसे देखते हैं आप लोगों को? देखिए, आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था इस राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, वो नारा था 65 पार, और जनता ने उनको 25 सीट पर ला करके रोकने का काम किया था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सबक नहीं लिया, और हम तो जब विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, हमने जो काम किए हैं उन काम के बदौलत, जो हमने विकास किया है उस विकास के बदौलत हम जाएंगे जनता के सामने। और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल के अंदर में डालने का काम किया गया, राज्य की जनता स्पष्ट रूप से कहते हुए हम लोगों को मिली कि जिस शिबू सोरेन ने जल जंगल जमीन की रक्षा की बात की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हम लोगों को जमीन पर अधिकार दिया, महाजनों से जमीन छीन करके दिया, और उस पार्टी के नेता पे अगर 8.5 एकड़ जमीन का आरोप लगता है, और वो भी निराधार बेबुनियाद, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इन कारनामों को नकारने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करने का काम। आपने बार बार सुना होगा राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी ने यह बात हमेशा कही है, विकास के मुद्दा पर उन्होंने बार बार कहा है कि विकास चाहिए इंडिया का, अगर आगे बढ़ना है तो रोजगार चाहिए युवाओं को। जिस तरह से बीजेपी ने, केंद्र ने युवाओं को जो ठगने का काम किया, किसानों को लाठीचार्ज किया, इस तरह का जो जुमलेबाजी, चाहे मोदी हो चाहे गृहमंत्री अमित शाह है, आपने अभी जितना भी रुझान देखा होगा, आप सबसे बड़ा युवा अपने यूपी का देखा होगा, जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव और हमारे गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अयोध्या तो देखिए राम मंदिर को राम के नाम पर जो उन्होंने काम किया, तो भगवान भी इनसे नाराज हो गए हैं। अयोध्या जैसे जगह में ये लोग पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान राम भी इनसे नाराज है, और इनको इनका इसका जो जवाब है ये तो मिल ही रहा है। और आप बाकी आप झारखंड में देख रहे हैं, जिस तरह कालीचरण मुंडा ने हाँ लाखों वोट से आगे, अर्जुन मुंडा का ऐसा ना हो कि अर्जुन मुंडा का जमानत, और सुखदेव भगत भी हमारे आगे, और हमारी युवा माझी तो मैंने मत बोलिए, उनका तो जो स्पीड से शुरुआत की थी, मुझे लगता है 100 मीटर का रेस होता है, गीता को मुंह खाना पढ़ना ही पड़ना था। इसी वजह ये है कि बीजेपी ने जिसको हमेशा के लिए भ्रष्टाचार बोला, उनके हस्बैंड को मधुकोला जी को बार बार के भ्रष्टाचार के 4,000 करोड़ खा गए, फलाना बहुत तरह का, और फिर उसके अपने में शामिल कर दिए, और वो शामिल होकर ये सोचे कि गीता कोला को उसको खड़ा करके जीत जाएंगे, तो ये नहीं जानते थे कि भाई भ्रष्टाचार, लोग जो है ना अभी जो जितने भी है लोग ये समझ चुके हैं, लोग पढ़ने वाले कलहान के और 25वीं लोग पढ़े लिखे हैं, आदिवासी के लोग पढ़े लिखे हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक के लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए हैं कि ये जुमलेबाजी है। बीजेपी का यही काम रह गया है कि आप अपने पास लाइए, वॉशिंग मशीन में धो के साफ करके उसको सोचिएगा, उसको मैंने पवित्र करेंगे, तो ये होने नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार कीजिएगा तो उसका नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। क्या 100% आपने देखा होगा 5,000-6,000 वोट से हमारे मथुरा माता आगे जा रहे हैं, और आने वाला भी आस्ते आस्ते आप देखिएगा 25-30-40-50 वोट से वो आगे निकल जाएंगे। कमल सॉरी नवीन सुरेन, इसके लिए माफी चाहता हूँ, नवीन सुरेन जो है वो आगे निकल जाएंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी हमें कैसे देखें? विधानसभा चुनाव में तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया को इस तरह षड्यंत्र रच के जेल भी ने काम किया, इसका उसका परिणाम जो है ना, अब तो लोकसभा में देख रही है कि हमारे 3-4 सीट आ ही रहे जीएमएम का, और आपको मैं बता दूं लोकसभा में मुंह की खानी अगर बीजेपी को नहीं पड़ी तो मैं आपके सामने फिर इसके बारे में बात करूंगा जरूर। विधानसभा में जो आदमी आपके यहाँ रह रहा है, आपके पास में आप ही बताइए, आपके पास में एनआरसी और यूजीसी का जो पेपर लाएगा आपके पास में है?
आप अपने बारे में बताइए, तब आप खुद भी खुद समझ में आ जाए कितने लोगों के पास में है कितने लोगों के पास नहीं। देखिए जो मुद्दे बनाए गए कहीं ना कहीं चुनाव, वह मुद्दे जो है हावी नहीं हुए और देर शाम जो नतीजे आएंगे चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात है। पिछली बार 2019 में जो 300 का आंकड़ा पार किया था बीजेपी, क्या उस आंकड़े को पार करेगी? और कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस में खुशी की लहर है, जो चुनाव में अच्छे परिणाम जो आए हैं, अच्छे जो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। जेके न्यूज के राजेश में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।